मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत जेडीयू और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। छपरा के गांधी चौक से नगर पालिका चौक के बीच यह फ्लाईओवर बनेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण अगले 4 वर्षों यानी 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क जो यहाँ पर हुआ, जिसका शिलान्यास के लिए उद्घाटन भी किया गया, वो पारगन से छपरा को जोड़ने में वह सड़क बहुत सहायक होगा। 64 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका भी आज उद्घाटन हो गया। स्टेट हाईवे 71 है वो तो। एक पुल का, एक सड़क का उद्घाटन और एक दुमंजिला पुल का, पुल पथ का आज शिलान्यास हुआ। सचमुच मुझे बहुत खुशी। निर्माण मंत्री जी थोड़ा सा इशारा किया, बता दो अभी लोग इशारे पर है। छपरा से पटना को, छपरा जिला को पटना से, जिला से पटना की राजधानी को जोड़ने के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। एक और पुल बनवाएंगे, चिंता मत करिएगा। होता नहीं, हर तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा समाज सुधार का भी काम करते हैं, शराबबंदी को लागू करना, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाना, ये सब काम करते रहते कि भाई सबको सोचना चाहिए। लड़की के बिना तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता, बढ़िया के बिना। तो वैसी स्थिति में लड़कियों के सशक्तिकरण, उसकी प्रतिष्ठा, और अगर शादी होती है घर में तो बहू नहीं उसको बेटी ही मान करके चलिए। और इस प्रकार से समाज में ये जो कुरीतियां हैं, बाल विवाह दहेज प्रथा, इस। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया, क्या लगता है इस ये जो फ्लाईओवर बनेगा उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी वहां की? हाँ, कुछ परिस्थितियां तो बदलेगी। एक बहुत बड़ी मतलब बदलाव है, लोगों में खुशी है कि देश का दूसरा और भारत का सबसे पहला, सॉरी देश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा, जो सबसे लंबा है, और लोगों को बहुत सारे उम्मीद भी है। ऐसे भी नीतीश कुमार कह के गया है कि हम लोग विकास जो करते हैं कुछ अलग टाइप से करते हैं। उन्होंने शराबबंदी का भी जिक्र किया अपने भाषण में, और उन्होंने कहा कि आजकल शादी के समारोह में बीच माहौल होता था उसमें भारी बदलाव आ गया है जी। मगर उन्होंने साथ में कुछ कटाक्ष भी किया, कुछ लोग अजतन अपराधियों के, जो सकाई तन के लोग साथ मिलकर गलत कार्य कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजू इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास हुआ है। उप मुख्यमंत्री सहित बीजेपी और जेडीयू के कई नेता इस खास मौके पर मौजूद रहे। और आपको बताएं, ये देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, जिसका आज शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसका निर्माण अगले 4 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सूबे के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन जनता की आवाज़ को दबाने का नहीं बल्कि उठाने का काम कर रहा है, जबकि विपक्ष चाहकर भी जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा। कि आवाज़ जब खुद दबी हुई है तो उनको तो लगेगा कि सबकी आवाज़ दब रही है। एनडीए गठबंधन आवाज़ किसी का नहीं दबाता है, आवाज़ बनता है सभी का, और सभी की आवाज़ को बुलंद करता है एक आत्मविश्वास। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां मदनपुर से उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की। रास्ते में पड़ने वाले माता उमेश्वरी धाम पहुंचकर उन्होंने वहां मत्था टेका और लोक कल्याण का आशीर्वाद मांगा। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उनका यह कारवां बाद में देव होते हुए अम्बा के लिए रवाना हो गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना तथा उन योजनाओं की फीडबैक लेकर सरकार तक पहुंचाना ही उनके इस रोड शो का मकसद है। स्थानीय मुद्दे हैं, कई जगह कुछ नीतिगत मुद्दा है, लोग जब हमारे सामने इस बात को रखते हैं, देखिए हमारा दायित्व है कि समर्थन का काम करते हैं, और हमारी ये जिम्मेवारी है सरकार के काम में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई बात आती है जिससे कि कार्यक्रम और बेहतर ढंग से संचालित हो सकता है, लागू कर सकता है, तो हम लोग सरकार के सामने। देवघर में जेडीयू ने सिंचाई अतिथिशाला में बैठक आयोजित की। बैठक जिला अध्यक्ष सतीश दास की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 15 जुलाई से देवघर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश स्तरीय बैठक को सफल बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता के साथ समीक्षा की गई। ये
15/7/18 को हमारे राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है शिवम इंटरनेशनल हॉल में। उसी के संबंध में सभी हम जिला पदाधिकारी और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं देवर जिला के अंतर्गत सबको बुलाए हैं। भाई जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के डाला झरना पहाड़ पर सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों चली मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 100 राउंड गोलियां चली और मौका देकर नक्सली फरार हो गए। वहीं सर्च अभियान अभी भी जारी है। बताया जा रहा है सीआरपीएफ को सूचना मिली थी कि अशीम मंडल दस्ता के नक्सली भारी संख्या में डाला झरना पहाड़ के समीप डेरा जमाए हुए हैं, जिसे सीआरपीएफ ने घेरना चाहा लेकिन अचानक नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया, जिसका नाम निर्मल घोष है और वह केशवपुर 193 बटालियन सी कंपनी में कार्यरत था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक जवान शहीद हो गए, मुठभेड़ अभी तक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए खुशबू, अभी देखा जाए तो मुठभेड़ दोनों तरफ से रुक गया है और अब पुलिस सर्च अभियान चला रही है। काफी देर तक कहा जाता है, बताया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक मुठभेड़ जारी था और दोनों ओर से करीब 100 राउंड गोलियां चली है, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान जो निर्मल घोष है उनको गोली लगने से शहीद हो गए हैं और उनको एक सम्मान के साथ, हालांकि उनके पैतृक आवास के लिए भेजा गया है। तब एक काफी नक्सली और ये पुलिस सीआरपीएफ के बीच काफी घंटों तक मुठभेड़ जारी रहा और कह सकते हैं कि खुशबू की जिस तरह से सीआरपीएफ जवान को सूचना मिला था कि असीम मंडल करके दास्ता है नक्सलियों का, वो एक जो डाला पहाड़ है वहाँ पर कैंप किए हुए है, तो उसकी सूचना पर ये लोग जाकर जवाबी कार्रवाई करने चाहा और वो गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन उधर से नक्सलियों की ओर से गोली चलने लगी और इसी के क्रम में एक जवान शहीद हो गया है और खुशबू बताया जा रहा है कि अभी सर्च अभियान जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए मनोज। कैमूर जिला मंचलों का गढ़ बनता जा रहा है। ताजा मामला कुदरा प्रखंड क्षेत्र का है, जहां बघेल हाई स्कूल में शराब के नशे में धुत मंचलों ने क्लास में घुसकर जबरदस्ती एक छात्रा को पकड़ लिया और उसे क्लास से अपने साथ बाहर ले जाने लगा, लेकिन किसी तरह लड़की के विरोध करने और छात्राओं की दिलेरी के कारण वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। उसी दिन दूसरी बार वह बंदूक का कट्टा लेकर क्लास में घुस गया और छात्रा को जबरन हाथ पकड़कर क्लास से बाहर ले जाने लगा। यह हरकत देख स्कूल में कुछ समय के लिए भगदड़ मच गई। इस घटना की जानकारी किसी तरह से मोहनिया डीएसपी को लोगों ने दी, जिसके बाद डीएसपी के निर्देश पर कुदरा थानेदार राजीव रंजन अविलंब दलबल के साथ विद्यालय में पहुंचे और दौड़कर कुदरा थाना प्रभारी राजीव रंजन ने उसे पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से मौजूद देसी कट्टे को भी अपने कब्जे में लिया। कुमार तिवारी को शराब के नशे के हालत में एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया। इनके ऊपर कहीं अपराधी छपी का तो पहले से केस नहीं आया। कुदरा थाना से भी 2 बार जेल जा चुके हैं, बनारस से भी जेल जा चुके हैं। स्कूल नहीं जाना है तो मैम बोली क्यों, तो हम बोले फिर चले गए हैं, तो फिर आया तो हमको फिर आया ना तो बोल रहा है कि चलो घर पे, तो हम बोले नहीं जाएंगे, हम मेरा क्या लगते हैं आप, तो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं चलो तुम, तो हम आए और बंदूक भी लेके गया था क्लास में। हाँ, बंदूक दिखाया तुमको? हाँ, जबरदस्ती ले जा रहा था मुझे। उस लड़के को पकड़ा और पकड़ने के दरमियान उस लड़के के पास से जो है एक देसी कट्टा बरामद हुआ। वह लड़का नशे में था, शिक्षिकाएं जली हुई थी, शिक्षिकाएं क्लास लेने से असमर्थ थी। शिक्षिकाएं जो है क्लास लेना है, लेकिन जब तक सर ये माहौल शांत है हम क्लास नहीं लेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यालय कैंपस में भी कभी कभी आ जाते हैं, चले जाते हैं बाइक लेकर के, तेजी से कभी आते हैं जाते हैं, तो हम लोग महिला शिक्षिकाएं हैं तो, और बच्चियां भी